तो स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था नर्व्स जो हैं पूरी बॉडी में ही होती हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड हैं उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। उसके अलावा जितना भी है आपका वो पूरा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, जिसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीजें हैं आपकी 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व एंड 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व एग्जिस्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे हर बार बनता है। जितनी भी नर्व है आपकी स्पाइनल नर्व वो बेसिकली सोमेटिक एफरेंट, वेस्करल एफरेंट, सोमेटिक इफिरेंट और वेस्करल इफिरेंट, इस तरह के नाम की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नर्व्स हैं उनके साथ मिलकर बनती हैं। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें सर्वाइकल नर्व जो है 8 होती हैं C1 से C8, जबकि सर्वाइकल की जो बोन है, सर्वाइकल के जो वर्टिब्रा है वो कितने थे एक बार रिवाइज करेंगे सभी लोग? सर्वाइकल वर्टिब्रा केवल 5 होते थे, C1 से C5। उसी के साथ थोरेसिक की जो आपकी है वो T1 से T12 है, यहाँ पर भी आपकी सॉरी जो आपके वर्टिब्रा होते हैं वो C1 से C7, 7 आपके वर्टिब्रा चलते हैं, जबकि नर्व जो है वो 8 है। थोरेसिक में वर्टिब्रा भी 12 होते हैं जबकि नर्व भी आपकी 12 है। लंबर में आपके 5 नर्व हैं और लंबर में आपके बोन्स जो थे वो भी 5 ही हैं। सेक्रल में आपके जो इंटरनल डिवीजन थे सेक्रल में 5 थे, जबकि यहाँ पे भी 5 ही हैं। लेकिन जो लास्ट वाला आपका कॉकिक्स वाला पार्ट आता है बोन वो एक ही थी, और यहाँ पे जब आप नर्व की बात करते हैं तो नर्व आपकी एक ही आती है, जबकि वहां पे बोन जो थी वो 4 का एक इंटरमिक्सचर था जब हमने स्केलेटल सिस्टम देखा था। तो अगर आप यहाँ पे इन सबको काउंट करें तो नर्व जो है आपकी टोटल स्पाइनल नर्व जो है वो 31 पेयर्स की होती हैं, और जबकि जो आपके बोन्स हैं टोटल वो टोटल 33 पेयर होते हैं। किस तरह से वर्टिब्रा आपके यहाँ पे 7 आते हैं, प्लस करते जाएंगे 7 प्लस 12 19, फिर लंबर आते हैं 5, 12 प्लस 19 हो गए, 19 प्लस 5 आपके 24, उसके बाद फिर 5 आपके आते हैं सेक्रल के, 24 प्लस 5 29, और 4 जो इंटरलोब होते हैं आपके कॉकिक्स के, तो ये आपके टोटल 33 पेयर हो गए। जबकि अगर आप नर्व्स को टोटल काउंट करें तो सर्वाइकल नर्व होती है 8, उसके बाद 12 है थोरेसिक नर्व, 8 प्लस 12 20, 5 हो गई आपकी लंबर नर्व यानी कि 25, उसके बाद सेक्रल नर्व हो गई 5 पेयर यानी कि अगेन 25 एंड 5 30, एंड लास्ट में कॉकिक्स नर्व आपकी एक ही है, तो ये टोटल 31 पेयर हो गए। इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। इसका क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि काउंटिंग पूछी होती है नर्व की, और जो नीचे ऑप्शंस दिए रहते हैं वो ऑप्शंस आपके कनेक्टेड होते हैं वर्टिब्रा के साथ, क्योंकि सर्वाइकल में और लास्ट कॉकिक्स वाले में ही डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम ही है। थोरेसिक भी 12 है, लंबर भी 5 है, सेक्रल भी 5 है, जो आपका सर्वाइकल वाला है उसमें एक कम है और कॉकिक्स वाले में 3 कम है। तो इस तरह से जो आपकी नर्व है वो टोटल 31 होती है, वर्टिब्रा टोटल 33 होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जो अभी हमने पीछे 4 नाम देखे हैं, सोमेटिक अफेरेंट, सोमेटिक इफेरेंट, इनका मीनिंग क्या है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम का ये हिस्सा है जिसमें सोमेटिक एफेरेंट का मतलब होता है सेंसरी, जो सेंस करेगा, कैरी करेगा चीजों को, और सोमेटिक इफेरेंट का मतलब होता है मोटर यानी कि जो उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो कम्युनिकेट करेगा स्पाइनल कॉर्ड के साथ और स्केलेटल मसल्स को एक्टिवेट करेगा। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है आपका उसमें क्या दो चीजें हैं, एक सोमेटिक एफेरेंट से न्यूरॉन्स है और सोमेटिक इफेरेंट न्यूरॉन्स है। सोमेटिक एफेरेंट यानी जो सेंसरी न्यूरॉन है और सोमेटिक इफेरेंट यानी कि जो मोटर न्यूरॉन है। जो सेंसरी न्यूरॉन है वो कैरी करेंगे सेंसेशंस को पेरिफेरी से, यानी कि पूरे जो आपके बॉडी का सिस्टम है जहां जहां स्किन या फिर कोई भी सेंस आपको मिल पा रहा है, कोई टेम्परेचर है, कोई टच है, कोई पेन है, कोई कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी सेंस कर सकती है थ्रू द हेल्प ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स, उस पेरिफेरी के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वो सेंसेस को पहुंचाएगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम तक। बाद में जो अभी पीछे हमने पढ़ा सेरेब्रल कॉर्टेक्स या फिर सेरेब्रम, उन सब के थ्रू प्रोसेसिंग होगी, और जो मोटर न्यूरॉन सिस्टम है सोमेटिक एफेरेंट मोटर न्यूरॉन सिस्टम वो एक्टिवेट होगा, और तब जाके वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो मसल्स अटैच्ड हैं उन मसल्स को कनेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा या फिर एक्सपेंड कर पाएगा। जैसे यहाँ पे आप
जो डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये स्पाइनल नर्व है, ये डॉर्सल रूट है, यानी कि बेसिकली क्या है, यहाँ से आपको कोई सेंस मिलेगा, ये सेंस आपका सोमेटिक एफरेंट नर्व से होते हुए पूरा स्पाइनल नर्व तक जाएगा, स्पाइनल नर्व के बाद सेरेब्रम, सेरेब्रम तक जाएगा, इसके बीच में ये जो आपकी मसल्स हैं, ये आपका सामने आप देख रहे हैं ये एच शेप वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये वर्टेब्रा जो है आपका, जो अभी हमने पीछे देखा था स्पाइनल कॉर्ड का जो वर्टेब्रा है, उस कॉर्ड के वर्टेब्रा के बीच में एक इस तरह का शेप होता है एच वाला शेप, और ये बाहर वाला जो वाइटी मटीरियल है, तो ये वाइटी मटीरियल बेसिकली क्या काम करेगा, जो सेंसेस आएंगे उनके अकॉर्डिंग इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपेंड करेगा, और इसी से जुड़ी हुई जो मसल्स हैं आपकी बॉडी की, ये जो आपके सेंस नर्व्स हैं बॉडी के, उनको ये स्ट्रेच करेगा या रिलीज करेगा, इसी के आधार पर वो पूरा एक्शन रिफ्लेक्स होके इन वेंट्रल रूट्स के थ्रू फिर से उसको काम करने पे मजबूर करेगा कि उसको क्या काम करना है, उसको अपने हाथ को रिलैक्स छोड़ना है या फिर पीछे की तरफ खींचना है। इसी तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसके दो तरह के डिवीजन होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो ये डिवीजन आपका रिस्पॉन्सिबल है जितना भी सिस्टम आपकी बॉडी में एक्टिवेटेड है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, साथ ही साथ जो फाइबर्स एंड्रोजेनिक फाइबर्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं एपिनेफ्रिन के, उनको रिलीज करने में हेल्पफुल होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उस एक्टिविटी को स्लो डाउन करने में हेल्पफुल है। ये जो GI है इसका मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम को छोड़ के बाकी जितनी भी एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है, और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम जो है उसका काम है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे छोड़ के बाकी जितने भी सिस्टम है उनकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देना, और यहाँ पर आपका जितने भी कोलिनर्जिक फाइबर हैं वो रिलीज होते हैं, जैसे कि वो रिलीज करते हैं एसिटाइल कोलाइन को, जबकि सिंपैथेटिक में क्या था, एंड्रोजेनिक फाइबर रिलीज करते हैं एपिनेफ्रिन को। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीजें जो हैं वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एपिनेफ्रिन रिलीज होता है और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू एसिटाइल कोलाइन रिलीज होता है। एसिटाइल कोलाइन अगर आप लोगों को ध्यान हो मसल फाइबर के समय हमने देखा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइल कोलाइन ही नर्वस सिस्टम के थ्रू मसल्स को दिया जा रहा था, जिसके आधार पर आपकी बॉडी फिर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड कर रही थी, थिन और थिक फिलामेंट्स जो है उनका मूवमेंट हो रहा था। अगर आपको ध्यान हो वो डायग्राम, तो ऊपर से जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था एक ऐसे बल्ब शेप थी, उसमें से कुछ Ca+2 के आयंस नीचे मसल के फाइबर में आ रहे थे, मसल फाइबर में वो आने के लिए जो ये जंक्शन था बीच का उसको हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का नाम दिया था, और यहाँ पर ये जो आ रहा था जितना भी उसके साथ बीच में एक एसिटाइल कोलाइन लिखा हुआ था, तो एसिटाइल कोलाइन क्या था, तब भी बात हुई थी कि नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स हैं वो एक सिग्नल भेजेंगी एसिटाइल कोलाइन के रूप में। तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जो काम करता है एसिटाइल कोलाइन को रिलीज करने का और जितने भी आपकी बॉडी में एक्टिविटी चल रही है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करने का या फिर कॉन्ट्रैक्ट करने का। ये आप सामने एक डायग्राम अगर देख पा रहे हैं तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सिंपैथेटिक डिवीजन की जब हम बात करें तो सिंपैथेटिक डिवीजन में वो सारी चीजें आएंगी जिसमें कि आपका एक्टिविटी इंक्रीज भी हो जाती है, और पैरासिंपैथेटिक डिवीजन में वो सारी चीजें आएंगी जिसमें आपकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज और डिक्रीज क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सबसे पहला आपका आई मूवमेंट, दूसरा जो स्टिम्युलेशन ऑफ सेल्वेशन है यानी कि मुंह में लार बनना, तीसरा आपका जो लंग्स हैं जो एयर पाथवे है उसका रिलैक्स रहना या फिर उसका कंस्ट्रिक्ट हो जाना, उसके बाद जो आपकी हार्ट बीट है उसका एक्सेलरेट होना या फिर स्लो डाउन होना, जो आपका डाइजेशन है उसका स्टिमुलस बढ़ जाना या फिर उसका प्रोसेस जो है वो धीमा हो जाना, कॉन्स्टिपेशन वाली समस्याएं आना, तीसरा गॉल ब्लैडर से जो आपका बाइल प्रोड्यूस हो रहा है निकल रहा है और मिल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका रिलीज होना या रिलीज ना होना, दो चीजें, लीवर में जो बन रहा है बाइल उसका बनना या ना बनना, और उसके साथ ही साथ जो आपका इंटेस्टाइन का काम है कि
गट के साथ आपका ब्लड वेसल्स के थ्रू डायलेशन होता है, जो डायलेशन है यानी कि जो खाना आपका एसिडिक है उसकी एसिडिटी कम करना, उसको बेसिक बनाना नेचर में, उसको बनना, उसका डायलेशन होना या ना होना, ये चीजें आपकी पैरासिम्पेथेटिक डिवीजन पे और कुछ चीजें आपकी सिंपेथेटिक डिवीजन पे डिपेंड करती हैं। जैसे किडनी की जब हमने बात करी थी तो हमने बोला था वहां पे एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के आपके हार्मोन्स निकलते हैं जो मेन काम करते हैं किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करने का। तो यहाँ पे किडनी फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए जो सिक्रेशन है ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है। इसी तरह से यूरिनरी ब्लैडर में जो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि सिकुड़ना और रिलैक्स होना यानी कि इसका खाली होना, तो यूरिनरी ब्लैडर का खाली होना तब संभव है जब इसकी एक्सटर्नल लेयर आप वॉलेंट्री कंट्रोल के साथ ओपन करेंगे और इसका स्टिमुलस बढ़ जाना या कम हो जाना डिपेंड करता है उस सिग्नल पे कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कंप्लीटली फिल हो चुका है। तो उसकी फिलिंग की जो सिग्नल है वो दी जाती है इसी ऑटोनॉमिक और पैरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक और नॉन सिंपैथेटिक डिवीजन के द्वारा। तो सिंपैथेटिक वो है जो इंक्रीज कर देते हैं एक्टिविटी को और पैरा सिंपैथेटिक वो है जो डिक्रीज कर देते हैं। जैसे कि डायलेशन का जो प्रोसेस है वो डिक्रीज करने वाला है क्योंकि वो एसिडिटी को कम कर रहा है, जबकि बाइल जो है वो खाने की एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो लीवर जो है वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, और मतलब लीवर में जो नर्व्स एक्टिवेटेड हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, और जो आपके डायलेशन में नर्व्स कनेक्टेड हैं ब्रेन से वो नर्व जो हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है डायलेशन के थ्रू या डायलेशन के दौरान वो सिमुलेशन आपका इस पैरासिम्पेथेटिक डिवीजन पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह से आपके जो बॉडी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं इसको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस काफी रहते हैं। जैसे स्केलेटल मसल्स अगर आपके एंड ऑर्गन हैं तो सिंपैथेटिक इफेक्ट क्या करेगा और पैरासिंपैथेटिक इफेक्ट क्या करेगा। स्केलेटल मसल्स हैं तो उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ाना और ब्लड का फ्लो घटाना ये आपका इफेक्ट होगा सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। जबकि वेंटिलेशन की बात की जाए, जैसे हमें कई बार हम बोलते हैं कि घुटन महसूस होना, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अगर हमारा वेंटिलेशन इम्प्रूव होता है यानी कि हमें अच्छा लगता है अगर हम नेचर के किसी एनवायरनमेंट में जाते हैं, गंगा किनारे जाते हैं या जंगलों के बीच में जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत अच्छा श्वास प्रश्वास हम कर पा रहे हैं। जबकि पैरासिम्पेथेटिक इफेक्ट में अगर आप बहुत देर से कमरे में बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि सांस बंद होने लगी है, तो आपका जो वेंटिलेशन है वो डिक्रीज होने लगता है। इसके बाद स्वेट ग्लैंड्स की बात करें तो स्वेट ग्लैंड्स बेसिकली काम क्या कर रही हैं कि बाहर निकालने का काम कर रही हैं और स्टिमुलेट करने का काम कर रही हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स जो भी हैं वो सिंपैथेटिक इफेक्ट तो शो करेंगी लेकिन पैरासिंपैथेटिक इफेक्ट वो शो नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स का काम क्या है, स्वेट को बाहर निकालना यानी कि स्टिमुलेट करना, उसको प्रमोट करना, डिक्रीज करने का कोई काम है ही नहीं स्वेट ग्लैंड्स में। तो स्वेट ग्लैंड्स केवल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक इफेक्ट दिखाएंगी और पैरासिंपैथेटिक इफेक्ट वो नहीं दिखाएंगी। अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट में दोनों इफेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रेट इंप्रूव होगा तो सिंपैथेटिक इफेक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन रेट डिक्रीज होगा तो पैरासिंपैथेटिक इफेक्ट होगा। इसी के साथ जीआई ट्रैक की मोबिलिटी की अगर बात करें यानी कि गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक जो है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, उसकी मोटिलिटी, उसमें किस तरह से डाइजेशन हो रहा है उसको अगर देखा जाए तो वो डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, दोनों ही आपके इफेक्ट उसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मोटिलिटी की हमने बात क्या कही थी, इसको मैंने पहले भी बताया था। मोटिलिटी क्या होता है, जो आपका खाने का डायलेशन हो रहा है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ डायलेशन इज नोन एज मोटिलिटी। तो मोटिलिटी अगर सिनेप्टिक इफेक्ट होगा तो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि सिनेप्टिक इफेक्ट का मतलब क्या है, उत्तेजित करना, और मोटिलिटी हम बोल रहे हैं डायलेशन को। तो डायलेशन की पर्टिकुलर बात करेंगे तो सिनेप्टिक इफेक्ट उसका डिक्रीज हो जाएगा और पैरासिनेप्टिक इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग द डायलेशन। आंखों में अगर देखा जाए तो आंखों का जो प्रोसेस है, आपकी आंख की पुतलियां हिलना बहुत ज्यादा और उसका मोशन कंट्रोल हो जाना, दोनों ही इफेक्ट उसमें दिख सकते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस के सेक्रेशन की बात करें तो ये भी डिक्रीज और इंक्रीज हो सकता है। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर जो है आपका, उसका इंक्रीज होना
मतलब उसका मीन प्रेशर इंक्रीज होना सिनेप्टिक इफेक्ट है और डिक्रीज होना पैरासिनेप्टिक इफेक्ट है। इसी तरह से जो एयर पाथवे है आपका, जो इनहेल एक्सहेल सिस्टम है, अगर उसका डायमीटर इंक्रीज होता है तो वो सिनेप्टिक इफेक्ट है, और अगर डायमीटर डिक्रीज होता है तो ये पैरासिनेप्टिक इफेक्ट है। इस तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिनेप्टिक और पैरासिनेप्टिक इफेक्ट्स, या फिर सिनेप्टिक सिस्टम और पैरासिनेप्टिक सिस्टम आपका होता है। अगर हम ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स की बात करें तो यही पूरा सिस्टम जो अभी हमने देखा कि ये जो आपका स्पाइन है बीच में, इस स्पाइन में जो एच शेप है, इस एच शेप में ही ये आपको डायग्राम को आप जूम करके देख सकते हैं, ये जो रेड कलर का एक दिख रहा है ये आपका नर्व सामने बेसिकली एक दिखाया गया है, ये बेसिकली एक नर्व सामने दिखाया गया है और ये नर्व कनेक्टेड है मसल्स के साथ, ठीक है। वहीं से एक दूसरी नर्व है जो अगेन कनेक्टेड है इसके साथ। तो यहाँ पे क्या है, जो पीछे से आपको एक लेग एक्सटेंशन करना है उसके लिए आपको एक सिग्नल जनरेट आपने किया ब्रेन से, वो सिग्नल क्या करेगा, इस स्पाइन के बेस में ये जो डायग्राम है और बेस में ये जो मटेरियल है, वाइट मटेरियल और ग्रे मटेरियल, इस ग्रे मटेरियल में ही ये नर्व्स कनेक्टेड है, तो इस ग्रे मटेरियल के थ्रू वो एक सिग्नल भेजेगा और इस नर्व को एक्सटेंड करते हुए सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जो एफेरेंट फाइबर है आपका, जो कि आपका एपिनेफ्रिन को जनरेट कर रहा है, उसके थ्रू ये सिग्नल भेजेगा और आपकी जो अल्फा मोमेंटरो है, जो एफेरेंट फाइबर है, उसको एक्टिवेट करेगा, जिससे कि आपके मसल्स के फाइबर में थिन और थिक फिलामेंट का मूवमेंट हो और धीरे से आप अपने लेग को एक्सटेंड कर पाए। यानी कि ये पूरा प्रोसेस जो है स्पाइन का, ये जो ग्रे मटेरियल है इसी के अंदर आपकी, क्योंकि नर्व जो है वो अटैच है, इसी के माध्यम से हो पा रहा है। अगर ये ग्रे मटेरियल ना हो या फिर ये खराब होने लगे तो जो सिनेप्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि जो सिग्नल एक दूसरे से पहुंच रहे हैं इन नर्व के, वो सिग्नल पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स आपका काम करता है। जबकि कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स में आप देखें तो कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें बॉडी में एक साथ चल रही हैं, जैसे आगे वाला जो आपकी मसल्स हैं वो एक्सटेंड हो रही हैं, पीछे वाली जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही नर्व्स एक साथ काम कर रही हैं, जबकि जो आपकी फीट की मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो बहुत सारी, क्योंकि नर्व यहाँ पे तो हम एक एक करके समझ रहे हैं, बॉडी में बहुत सारी नर्व जो है वो इसके वर्टिब्रा के साथ कनेक्टेड है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है उसके साथ कनेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड के मटेरियल के साथ। जैसे यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि तीन तीन नर्व यहाँ पे डायग्राम में दिखाई गई हैं, लेकिन इस तरह की तो बहुत सारी नर्व होती है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स पूरा आपका प्रोसेस चलता है, जिसमें मल्टीपल सिनेप्स यानी कि मल्टीपल अटैचमेंट, मल्टीपल सिग्नल ट्रांसफरिंग चलती है दो न्यूरॉन्स के बीच में, और उसी के बेस पर आपका पूरा बॉडी जो है वो वर्क कर पाता है। मोटर यूनिट जिसको हम बोलते हैं, एक सिंगल मोटर न्यूरॉन, या फिर जैसे एक सिंगल मसल फाइबर होता है उसी की तरह एक सिंगल मोटर न्यूरॉन होता है जो मूवमेंट के लिए एक फंक्शनल यूनिट है आपकी। जैसे कि मसल फाइबर मसल की बेसिक यूनिट होती है, वैसे ही मोटर यूनिट है आपकी न्यूरॉन की बेसिक यूनिट, जिसके आधार पर वो फंक्शनल सामने प्रेजेंट करेगा, अपने फंक्शंस को काम में लेकर आएगा। तो जितना भी आपका मसल फाइबर है उसका रेशियो नर्व के साथ रिलेट करके पूरा बॉडी का मूवमेंट या फंक्शन जो है एक्टिवेट कर पाता है। ये एक न्यूरॉन का डायग्राम सामने दिखाया गया है, जिसमें कि एक सेल बॉडी है, एक एक्सॉन है, उस एक्सॉन के साथ कुछ श्वान सेल्स लगे हुए हैं, नोड ऑफ रेनवायर्स हैं, ये पर्टिकुलर बीच वाला जो पोर्शन पोर्शन है एक्सॉन का, यही इम्पल्स को जनरेट करता है, इम्पल्स की डायरेक्शन बताता है कि इनसाइड है या आउटसाइड है, मतलब कि इम्पल्स की डायरेक्शन को जज करता है। और उसके बाद जो आपकी मसल्स हैं, जो आपका मोटर फंक्शन है, जिसके लिए मसल्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, मसल्स के बेस पे ही आपका पूरा मोटर यूनिट काम करता है, उसको एक्टिवेट करती है। तो इस तरह से मोटर यूनिट बेसिकली क्या है, जो मसल्स के साथ आपकी नर्व्स कनेक्टेड हैं, मसल फाइबर्स के साथ कनेक्टेड हैं, उनके साथ इनवर्टिब्रेट होके एक मूवमेंट को जनरेट करती हैं, फंक्शन को जनरेट करती हैं, उसको हम मोटर यूनिट बोलते हैं। ये पूरा एक डायग्राम है आपका, इसको आप सामने देख सकें तो हम CNS और PNS को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइन दो चीजें आएंगी। लगभग ब्रेन में 85 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, स्पाइन में 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं,
और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आपके तीन पार्ट्स हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या एंट्रिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसमें आपका वॉलंटरी कंट्रोल होता है, यानी कि ऐच्छिक कंट्रोल होगा जिसमें आपका मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर्स होंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉलंटरी होता है। ये दो टाइप का होता है जो अभी हमने देखा, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक जो क्रिटिकल कंडीशंस में आपका मदद करेगा, जैसे कि अभी एग्जांपल दिया था कि शेर अगर आपके सामने आ जाए तो फाइटर वाली कंडीशन आ जाती है, आपको आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करती है। और पैरासिंपैथेटिक यानी कि आपका जो डेली रूटीन है उसमें आपकी बॉडी के जितने फंक्शंस हैं उनको थोड़ा सा स्लो डाउन करना, जैसे कि आपका रेस्ट टाइमिंग है, डाइजेशन है। और एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपका ब्रेन से डाइजेस्टिव सिस्टम को कनेक्ट करने वाला जो सिस्टम है वो एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, ये पूरा ही अलग है। तो इस तरह से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके तीन पार्ट्स हैं, तीन टाइप्स हैं। और अगर इसके कंपोनेंट हम देखें तो चार कंपोनेंट इसमें मेन पाए जाते हैं, एक है गैंग्लिया, दूसरा है नर्व, तीसरा एंट्रिक प्लेक्सिस और चौथा सेंसरी रिसेप्टर। चारों नाम बहुत आसान से हैं, चारों को हम एक स्टोरी बना के याद कर सकते हैं। जैसे नर्व्स की गैंग ने एंटर किया तो सेंसेस पता चले। नर्व यानी कि नर्व हो गई जो क्रैनियल है 12 और स्पाइनल है 31 पेयर। नर्व्स की गैंग यानी गैंग्लिया, तो गैंग्लिया क्या है, जो स्मॉल मासेस ऑफ नर्वस टिश्यू है उसको हम गैंग्लिया बोलते हैं। नर्व्स की गैंग ने एंटर किया, एंटर यानी एंट्रिक प्लेक्सिस, तो एंट्रिक प्लेक्सिस आपके किससे कनेक्टेड है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम से। तो ये पूरा का पूरा आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से कनेक्टेड है जितने भी एंट्रिक प्लेक्सिस हैं। तो सेंसेस पता चली यानी कि सेंसरी रिसेप्टर। तो सेंसरी रिसेप्टर कितने होते हैं बॉडी में, 5 सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, मतलब जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हीं के साथ जो कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से आपका CNS और PNS पूरा एक चार्ट में आप सामने देख सकते हैं और इसके थ्रू ही आप इसको पूरा याद रख सकते हैं।